हेलो फ्रेंड्स, एम एस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ आलू लच्छा भजिया की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम सामग्रियों में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए रेसिपी को फटाफट शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिए है धोकर छील कर 3 आलू और कद्दूकस करके इसे सारे लच्छे बना लूँगी। तो तीनों आलू को कद्दूकस कर लिया है मैंने और इसमें डालेंगे पानी, इसे अच्छे से धो लेंगे। तो आलू लच्छे को अच्छे से धोकर और इसका सारा पानी निचोड़ कर हम एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे इसे। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी बेसन, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा हरी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और स्वाद अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे और इसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फेंट लिया है। तो हमारा आलू लच्छा भजिया का मिक्सचर तैयार है। तो अब हम इसे चलते हैं फ्राई करने। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे तेल को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो जिस तरीके से हम भजे बनाते हैं वैसे इसके हम सारे भजे बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आलू लच्छे भजे सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो अब इसे मैं सर्व करूँगी। तो देखा ना दोस्तों, इसे बनाना कितना आसान है, एकदम नया तरीका आलू भजिया बनकर तैयार है। तो लीजिए दोस्तों, सर्व के लिए आलू लच्छा भजिया बनकर तैयार है। अब मैं इसे थोड़े से धनिया के पत्तियों के साथ गार्निश कर दूँगी और टमाटर सॉस और चिली सॉस के साथ इसे सर्व करवा लूँगी। तो दोस्तों, आप भी एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनाने में बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह नए तरीके की आलू लच्छा भजिया की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।